वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आशी फ्रॉम अमायराज मेकओवर्स। गाइज, इस समय समर्स का सीज़न चल रहा है और आपने देखा होगा हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्वीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो गई है, ड्राइनेस आ गई है, उसके अंदर सप्पल नहीं लग रही है, सॉफ्ट नहीं लग रही है, मॉइस्चराइज़र उसका गायब सा हो गया है, स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ आपने फेस में एक और प्रॉब्लम देखी होगी कि इस जगह बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स किसी को हो रहे हैं, किसी को ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, और बॉयज़ के साथ में ये दिक्कत और ज़्यादा है क्योंकि वो घर के बाहर बहुत जाते हैं। तो आज का जो वीडियो वैसे भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की स्किन के लिए है, और ये जो प्रोडक्ट है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेम तरीके से यूज़फुल है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और इस समय ये बहुत बड़े ऑफर में आया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड इट्स अ ब्यूटी सीक्रेट ऑफ माई स्किन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी, डल थी, गर्मियों में तो ये हाल था कि मतलब लाइक इतनी स्वीटिंग होती थी जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा काली दिखती थी। एंड इसके साथ ही था, इस स्किन में मेरी स्किन में वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेरे वाइट हेड्स यहाँ पर इतने ज़्यादा हो जाते थे कि अगर मैं मेकअप अप्लाई करती थी तो इन दैट कंडीशन वो ना यहाँ से बहुत ज़्यादा उभरा हुआ सा लगता था, बहुत ख़राब लगता था। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया और मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में बताया। आज मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। इट्स माई फेवरेट प्रोडक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। एंड इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा आपको सॉफ्ट लगेगी, स्मूथ लगेगी, और 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसका डेमो आपको करके दिखाऊंगी गाइस। तो चलते हैं और देखते हैं बिना देरी के कि क्या है ये प्रोडक्ट और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सा रिक्वेस्ट गाइस कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में से लाइक कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। ये मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब है, ये ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट है, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। किस तरीके से इसका यूज़ करना है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताती हूँ। गाइस, अब मैं ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट को यूज़ करना बताऊंगी। गोल्डन कलर का ओरिफ्लेम का शुगर स्क्रब है, ये आगे से पूरी तरह से पैक्ड होता है, ये इसका मिनी पैक है, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग कोई सा भी परचेस कर सकते हो। ये बिग एंड स्मॉल दोनों साइजेस में आपको उपलब्ध होता है। अब मैं इसका यूज़ किस तरीके से करना है वो बताऊंगी। सबसे पहले जिस एरिया में आपको शुगर स्क्रब करना है, आप उस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से गीला कर लीजिए। सबसे अच्छा तो इसका तरीका यही है कि आप मॉर्निंग में नहाते टाइम इसका यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देखिए, मैंने बहुत जरा सी क्वांटिटी इसकी अपनी पाम पर ली है, आपको भी बहुत जरा सी क्वांटिटी लेनी है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है और इसके रिजल्ट बहुत ऑसम है। अब देखिए, जिस तरीके से मैं अपने हाथों पे इसे यूज़ कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे ये फोमिंग है, जेल बेस है, और ये स्किन के जो भी डेड सेल्स है उसको पूरी तरीके से 100% रिमूव करता है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में टैनिंग है उसको दूर करता है, स्किन की रफनेस को दूर करता है, स्किन की ड्राइनेस होती है वो पूरी तरीके इससे चली जाती है, और इसके बाद स्किन बहुत ही ज्यादा आपकी रेडिएंट गोल्डन टाइप्स एंड बहुत ही ज्यादा फेयरर दिखाई देती है। जिस तरीके से देखिए, मैं अच्छे से इसकी मसाज कर रही हूँ अपनी फिंगर्स पर, अपनी हथेली पर, अपने बैक हैंड पर। इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसकी मसाज करनी है, 4 से 5 मिनट आप उसकी स्किन पर मसाज कर सकते हो। बट वन मोर थिंग, जब आप फेस पर इसका यूज करो तो 1 से 2 मिनट तक ही इसको इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि स्किन जो फेस की होती है वो ज्यादा सॉफ्ट होती है इन कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आप इसको इससे आपके फेस के जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो तो रिमूव होते हैं, टैनिंग तो जाती ही जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको प्रॉब्लम है ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की, वो भी पूरी तरीके से चले जाते हैं। देखिए, अब मैंने इसको पूरी तरीके से हटा दिया है, इसको मैं गीला कर रही हूँ, और जितना भी शुगर स्क्रब मेरे हाथों पर लगा हुआ है वो मैं इसे पोंछ कर इसको हटा दूंगी, जिससे कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी और रेडिएंट हो जाए। देखिए, मैंने अपने हाथों से पूरी तरीके से शुगर स्क्रब हटा दिया और मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और फेयरर दिखाई दे रही है। ये देखिए, हाथ कैसा बेकार दिख रहा है, ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। गाइज, आपने देखा कि मैंने शुगर जो स्क्रब था उसका किस तरीके से यूज़ किया। आप भी इसी तरीके से इसका यूज़ कीजिए, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने देखा मैंने एक स्क्रब का यूज़ किया एक तरीके से बॉडी पर, इसको आप फेस पे भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी स्किन टाइप के लिए जाता है, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे नॉर्मल स्किन हो, चाहे आपकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो, ये हर स्किन टाइप पर जाता है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है,
है जिसको कुछ भी सूट नहीं करता है, तो इन दैट केस वो अपने फेस पर इसका इस्तेमाल नहीं करें, बाकी बॉडी पार्ट पर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। वन मोर थिंग, मैंने सिर्फ स्क्रब इस्तेमाल करा, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मेरी स्किन को इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते कि मेरी स्किन और ज़्यादा सपल, सॉफ्ट एंड सिल्की लगे, तो इन दैट कंडीशन मैं इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ लव पोशन। ये जो ये भी ओरिफ्लेम की क्रीम है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो इस सब के बाद में हमारी स्किन को और ज़्यादा नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो अब मैं थोड़ी सी, आप देखिए मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी ले रही हूँ, और इसको मैं अपने पूरे हाथों पे इस तरीके से लगाऊंगी और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल हो जाए। गाइस, मिल्क एंड हनी का जो शुगर स्क्रब होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है, जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ये रिमूव करता है। इसके साथ ही साथ स्किन में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है उसको 100% ये दूर करता है, क्योंकि इसमें मिल्क एंड हनी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि आपको पता है जो मिल्क है उसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होता है। ये सारे की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनसे स्किन को एक हेल्दी लुक मिलता है, उसको नरिशमेंट मिलता है, उसके अंदर जो शाइन आती है वो आती है, एंड डलनेस ख़त्म होती है। इसके साथ ही साथ जो मिल्क है वो हमारी स्किन को फेयरर स्किन टोन भी देता है। तो अगर आप इसको वीकली इस्तेमाल करेंगे, वीक में 2 times इस्तेमाल करेंगे, तो इन दैट कंडीशन धीरे धीरे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो अपने आप ही सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपकी स्किन धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, सिल्की हो जाएगी, सफल हो जाएगी, एंड 100% जो डेड स्किन सेल्स हैं वो आपकी स्किन से गायब हो जाएंगे। गाइस, जैसे मैंने बताया कि मिल्क की प्रॉपर्टीज होने के कारण मिल्क में होता है विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड इसके साथ में मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाते हैं। इसमें दूसरी चीज़ होती है हनी। हनी यानी शुगर भी है इसके बीच में। तो जो हनी या शुगर है, मिल्क एंड हनी, जैसे नाम से ही पता है आपको, मिल्क एंड हनी का शुगर स्क्रब, तो इसकी वजह से जो शुगर की वजह से या हनी की वजह से जो हमारी स्किन में हमें मिलता है मिनरल मिलते हैं, उससे हमें उससे विटामिन्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें होता है फॉलिक एसिड। ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएंट करती हैं। इट मीन्स जो हमारी स्किन की डेड स्किन सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे हेड्स हो जाते हैं वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, स्किन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड दिखाई देती है, रफनेस दिखाई देती है, सॉफ्टनेस नहीं दिखाई देती है, ड्राइनेस दिखाई देती है, तो इसको ये एक्सफोलिएंट करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करे। जब ये डेड स्किन सेल्स स्किन से रिमूव हो जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सफल दिखाई देने लगती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, नरिश दिखाई देती है, एंड इसके साथ ही साथ जो नई स्किन आती है उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसको आप बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट शुगर स्क्रब, मिल्क एंड हनी का जो शुगर स्क्रब है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमारी स्किन में ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके इसके अंदर मॉइस्चराइजर को लॉक करता है। क्योंकि देखिए, आपने ऐसे ऐसे करके स्क्रबिंग करी, स्क्रबिंग करने के बाद में डेड स्किन सेल्स बाहर निकल आए, और जब स्क्रबिंग करते हैं अंदर उसको ऐसे ऐसे मसाज करते हैं, तो इन दैट कंडीशन उसका जो मॉइस्चर होता है वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है और हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे करके सॉफ्ट, स्मूथ और सफल दिखाई देने लगती है। तो गाइस, इस प्रोडक्ट को जरूर यूज़ कीजिएगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपकी स्किन बहुत जल्दी सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी, अगर आपके डेड स्किन सेल्स हैं वो भी बहुत जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से आपको बाय करना है, किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेजेस करके पता कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगी। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले आपके पास मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।